The third property of acids and bases, in which reaction of acids and base have to be studied. When acids and base react with each other, the reaction is called neutralization reaction, and it is one of the examples of double displacement, in which there is exchange of ions. Say for example, if you take the most common base and the most common acid, there is exchange of ions. As you can see, sodium ion will react with the chloride ion and hydrogen with the OH ion to get the product NaCl plus H2O, which is salt and water. So a neutralization reaction is defined as reaction between an acid and a base to form salt and water only. There is no evolution of gas, and this is one of the fastest reactions in chemistry. Also, as an example of non-precipitation reactions, they are double displacement reactions because there is exchange of ions, but there is no formation of precipitate. The next property talks about reaction with metallic oxides. Now, we have already studied about reaction of acids and bases with metals. And if you remember that metals, they are basic in nature. We had already studied about the reaction of acids and metals, and we had concluded that metals are basic in nature. Metals are basic in nature, and hence even their oxides are basic in nature. And as we have already done in the previous video, that there are three metals which are exceptions: aluminium, zinc and lead. These three metals are amphoteric, so are their oxides. Their oxides are also amphoteric in nature: aluminium oxide, zinc oxide and lead oxide. जैसे हम जिंक का एम्फोटेरिक नेचर प्रूव करने के लिए पहले जिंक को एसिड से रिएक्ट कराते हैं, फिर जिंक को बेस से रिएक्ट कराते हैं, और दोनों केसेस में आपको सॉल्ट फॉर्मेशन नज़र आता है, वैसे ही मेटालिक ऑक्साइड जिंक का ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट अ सॉल्ट. जिंक का ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है. इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज सोडियम जिंकेट, राइट? सो इवन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक. तो मेटालिक ऑक्साइड्स भी सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेसिस से रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट दीज थ्री. द लास्ट प्रॉपर्टी टॉक्स अबाउट रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. जैसे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, वैसे ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं. सो इफ़ यू से दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो ऑटोमेटिकली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक. दे आर एसिडिक इन नेचर. जो चीज़ एसिडिक होगी वो बेस से रिएक्ट करेगी. जैसे आपने देखा, जो चीज़ बेसिक होती है वो मेनली एसिड से रिएक्ट करती है. सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक, हेंस दे विल रिएक्ट ओनली विद बेस. आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि यही इक्वेशन आपने लाइम वाटर टेस्ट में ऑलरेडी की हुई है प्रीवियस वीडियो में. तो सेम इक्वेशन को आप एग्जांपल के फॉर्म में कोट कर सकते हैं. फॉर दिस लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है. तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बिकॉज वो एसिडिक हैं, तो वो बेस से रिएक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम लाइम वाटर भी है. वी ऑल्सो कॉल इट लाइम वाटर. एंड व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, इन द लाइम वाटर टेस्ट आपने देखा है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज देर इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? सो एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. This is also a neutralization reaction. Clear? So all these are examples of neutralization reactions in which acids and bases are reacting. Of course, proper neutralization reaction always takes place between a pure base and a pure acid. यहाँ पर ये base नहीं है, basic है. ये acid नहीं है, acidic है. So इसीलिए इन reactions को हम
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल बोल सकते हैं, अ टाइप बोल सकते हैं, बट दीज आर नॉट प्योरली डिफाइंड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फाइव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फर्स्ट वन जिसमें हमने देखा हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, एंड द कंक्लूजन वॉज दैट ओनली एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स. सेकेंड प्रॉपर्टी में रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, वहाँ पर आपने देखा अगेन ओनली एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, बिकॉज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर. एंड दीज आर द लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज. नाउ दिस फिनिशेज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम बार बार इस बात को प्रूव करते हैं दैट एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. जो चीज़ एसिड करती है वो बेस नहीं कर सकती है, जो चीज़ बेस करता है वो एसिड नहीं कर सकता है, राइट? नाउ इफ यू लुक एट दिस टॉपिक इट विल स्लाइटली सरप्राइज यू. क्या है टॉपिक का नाम? कॉमन फैक्टर बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के बीच में जो चीज़ कॉमन होती है वो होते हैं आयंस. इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन दैट एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आयनाइज एंड लिबरेट हाइड्रोजन आयन. बेस इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आयनाइज एंड लिबरेट हाइड्रोक्साइड आयन. तो अगर हम एसिड को किसी वाटर में डिजॉल्व करें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा और उस सॉल्यूशन के अंदर आयन्स होंगे. सारे एसिडिक सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन कॉमन आयन होगा, उसके साथ जो दूसरा कैटायन होगा वो कोई भी एनायन होगा, सॉरी वो तो कोई और भी हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सिमिलरली जब हम बेसिस को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो सभी बेसिस के सॉल्यूशंस में OH आयन विल बी कॉमन आयन होगा. सो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी आयन्स होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी आयन्स होते हैं. ये चीज़ एसिड और बेस में कॉमन है दैट एसिडिक सॉल्यूशंस कंटेन आयन्स एंड बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन आयन्स. और ये जो आयन्स हैं अगर ये किसी सॉल्यूशन में फ्री मोबाइल आयन्स हों, फ्री टू मूव हो. व्हाट डू यू मीन फ्री टू मूव? जब वाटर इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है तो ये आयन्स फ्री हो जाते हैं. तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर फ्री मोबाइल आयन्स हो, दैट सॉल्यूशन बिकम्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर मेरे पास एक वाटर, एक बीकर है, उसमें वाटर है, राइट? ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट चैप्टर दैट प्योर वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और आपने उस एक्टिविटी में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली एक्टिविटी में देखा होगा कि वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम उसमें अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. अब आपको समझ आया कि सल्फ्यूरिक एसिड डालने से वाटर गुड कंडक्टर कैसे बन गया? बिकॉज जैसे ही आपने एसिड डाला वाटर में, एसिड विल आयनाइज एंड दैट सॉल्यूशन विल कंटेन फ्री मोबाइल आयन्स. तो वो जो आयन्स हैं सॉल्यूशन में वो वाटर को बनाते हैं गुड कंडक्टर. सिमिलरली अगर मैं वाटर लूँ और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेसिस बेस डाल, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो बेस विल ऑल्सो आयनाइज. तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी फ्री मोबाइल आयन्स आ जाएंगे एंड दीज फ्री मोबाइल आयन्स विल मेक वाटर अ गुड कंडक्टर. सो what do you conclude from this discussion? That pure water can be made a good conductor but by either adding a few drops of acid or a few drops of base. Yahi par let me tell you, salt dalne se bhi water good conductor ban jata hai. Kyun? Because I have been telling you that a salt is a compound containing a cation and an anion.
तो जैसे ही हम किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट भी आयनाइज हो जाता है. सो एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑल्सो कंटेन्स फ्री आयन्स एंड सच अ सॉल्यूशन विल एक्ट लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे पास अब तीन चॉइसेस हो गई वाटर को गुड कंडक्टर बनाने की. इधर ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस और ऐड सॉल्ट. अगर कोई चीज़ पानी में जाने के बाद आयनाइज ना हो पाए तो वो वाटर को गुड कंडक्टर नहीं बना सकती. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ग्लूकोज C6H12O6. अब आपको इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है तो आपको लगेगा हाइड्रोजन वाली चीज़ तो एसिड होती है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट पॉइंट. जो चीज़ पानी में जाने के बाद डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है वो एसिड होती है. और ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो पानी में जाकर आयनाइज होगी, जो आयनिक होगी, जिसके अंदर आयन्स होंगे. अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो कार्बन के कभी कोई आयन्स नहीं होते, हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, लेकिन अगर वो कार्बन के साथ कंबाइंड है तो फिर वो शेयरिंग से बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करेगा. सिमिलरली ऑक्सीजन, सो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयन्स नहीं होते. सो अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पानी में जाके आयनाइज नहीं होगा. Hence, a solution of glucose will not be a good conductor. Whereas, a solution of acid and a solution of any base will definitely be a good conductor due to presence of free ions.